स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोशी। और बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉनसून से पहले सचिवालय स्थित सभागार में हाई लेवल बैठक की। उत्तराखंड में हर साल मॉनसून सीजन सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है और ऐसे में पहले से चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार अपनी व्यवस्था पुख्ता कर रही है। उत्तराखंड में चार धाम के मद्देनजर मॉनसून यात्रियों की सुविधाओं के लिए व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही प्रदेश में जल भराव की समस्या को रोकने के लिए नदी और नालों की साफ सफाई भी जो है वो तेज कर दी गई है। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मॉनसून की चुनौतियों को देखते हुए सरकार एक्टिव मोड में है। हर परिस्थिति के लिए हम पहले से तैयारी कर रहे हैं ताकि प्रदेश की जनता समेत चार धाम के यात्रियों को मॉनसून में असुविधाएं न हो। अभी चूंकि इस पर चर्चा चल रही है और हमारा प्रयास होगा कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। और वहीं उत्तराखंड में विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए 10 जुलाई की तिथि तय की गई है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। देखिए अभी चूंकि इस पर चर्चा चल रही है और हमारा प्रयास होगा कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। और वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। उपचुनाव में बताया जा रहा है 1,19,930 लोग मतदान करेंगे। आचार संहिता लगते ही विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक दलों के बोर्ड होर्डिंग्स बैनर उतारने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। राजनीतिक दलों से बात और उन्हें चुनाव से जुड़ी जानकारी दी गई, उनके सुझाव भी लिए गए हैं। देखिए मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के लिए 10 जून को घोषणा हो गई है और 14 तारीख को इसका नोटिफिकेशन होगा और 14 तारीख से ही नॉमिनेशंस वगैरह लिए जाएंगे। और इस चुनाव को देखने के लिए और इसमें एक रिटर्निंग ऑफिसर के लिए लक्ष्मी प्रसाद चौहान जो SLO का कार्य देख रहे हैं वो करेंगे और ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया हमारे जो है वो 21 जून तक चलेगी। 24 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म्स की समीक्षा होगी और 26 तारीख को नाम वापसी का दिन तय हुआ है और 10 जुलाई को मतदान की तिथि है और 13 तारीख को इसकी काउंटिंग होगी और 15 तक हमारा जो आचार संहिता लागू है वो लागू रहेगी। और चूंकि हरिद्वार जनपद में 2 नगर निगम से अतः जो आचार संहिता है केवल हमारे मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में ही प्रभावी रहेंगे। और वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब चर्चा इस बात की है कि उत्तराखंड को जो केंद्र मंत्री के रूप में सौगात मिली है उससे राज्य को लाभ मिलेगा या फिर नहीं। यह चर्चा का विषय है कि केंद्र में एक बार फिर गढ़वाल की अपेक्षा की है और CM के बाद केंद्र में मंत्री भी कुमाऊं से ही दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें BJP ने जीत की हैट्रिक पूरी की है और इस जीत की हैट्रिक के साथ भाजपा ने बताया कि उत्तराखंड की जनता उनके साथ खड़ी है। बावजूद इसके राज्य में 5 सांसदों में किसी न किसी सांसद को केंद्र में कैबिनेट का दर्जा देना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा की केंद्र में जो सरकार बनी है उसमें ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है जिसका राज्य के विकास में योगदान बहुत कम है। जबकि भाजपा को उम्मीद है कि केंद्र में जिस सांसद को मंत्री बनाया गया है सांसद को उसे राज्य की परिस्थितियों का पता है और वह जानता है कि कैसे विकास का पहिया तेज घुमाया जा सकता है। देखिए
400 पार का नारा देने वालों को कम से कम ये तो समझ में आ गया कि पूरे देश में व्यापक स्तर पर उनका जो दलित वोट बैंक है वो उनके पैरों के नीचे से खिसक चुका है। इसलिए जातियों को साधने का अब काम बखूबी वो कर रहे हैं। जातीय जनगणना की बात जब इंडिया ब्लॉक करता है तो वो बैकफुट पर आ जाते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड से ज्यादा मतों से हराने वाले सांसद थे तो फिर अजय टमटा को बनाना इसी बात का द्योतक है कि आप एक जाति विशेष को साधना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कपड़ा मंत्री रहते हुए कोई ऐसे कीर्तिमान तो स्थापित किए नहीं अजय टमटा ने, और आधे उत्तराखंड को तो शायद जानकारी भी नहीं है कि वो कपड़ा मंत्री रह चुके हैं, क्योंकि अल्मोड़ा संसदीय सीट को अजय टमटा के मंत्री रहते हुए कोई लाभ मिलते हुए हमने नहीं देखा। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि अजय जी जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, संगठन का उनको काफ़ी अनुभव है। जहां तक सरकारों की भी बात कहोगे, उत्तराखंड में भी वो मंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में भी इससे पहले मंत्री रहे हैं, फिर दोबारा उनको मंत्री बनाया, 3 बार के वो सांसद हैं, तो राज्य के लोगों को उनसे बहुत आशाएं हैं। और एक युवा फेस हैं तो हमें भी लगता है कि भाई जो राज्य मंत्री के रूप में जो दायित्व उनको दिया जाएगा, अपने मंत्रालय के साथ साथ अन्य भी जो मंत्रालय हैं, क्योंकि उनकी 3 बार की लोकसभा की सांसदी होने के कारण सबसे उनके अच्छा व्यवहार है, अच्छा परिचय है, तो उसका लाभ जो है बड़ी मात्रा में राज्य को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, जहां तक विपक्ष का प्रश्न है, विपक्ष तो हमेशा इफ एंड बट की बात करती है, अगर मंत्री बन जाते हैं तो कोई कैबिनेट क्यों नहीं बना, कोई राज्य क्यों नहीं बना, इस तरह की बात विपक्ष बोलता है, उसका कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन मुझे आशा और उम्मीद है कि एक युवा सांसद और एक अनुभवी सांसद होने के कारण वो राज्य को लाभ दिलाएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अब है जो केंद्रीय मंत्री के रूप में अजय टमटा को जगह मिली है, उससे जो है प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। बिल्कुल, ये कहें कि कांग्रेस पार्टी को एक और मौका यहाँ पर मिल गया है सत्ताधारी दल को घेरने के लिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर अब यह सवाल उठाने लगी है कि जब मोदी सरकार के पहले टर्म में इनको जो अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा, इनको राज्य मंत्री बनाया गया था, कपड़ा राज्य मंत्री का इनके पास विभाग था, उस समय भी राज्य को कोई ऐसी बड़ी सौगात देने का काम उनकी तरफ से नहीं किया गया था, अपितु जो सिरकुल में ऐसे जो कारखाने आने चाहिए थे जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं वो भी उत्तराखंड में नहीं पहुँच पाए हैं। तो ऐसे में जब उन्हें दूसरी बार यहाँ पर फिर मंत्री पद से नवाजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, तो फिर भी राज्यवासियों को कोई उम्मीद उनसे जगती नहीं दिखती है, क्योंकि पूरे चुनाव में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो कहा उस अपने कहे हुए वायदे के विपरीत उनकी तरफ से काम करने का काम यहाँ पर किया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया गढ़वाल में जिस तरह से प्रचार प्रसार वो कर रहे थे, चाहे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का चुनाव प्रचार हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी रैली हो, उन्होंने साफ तौर पर गढ़वाल से सांसद होने की बात यहाँ पर कही थी और कहा था कि केंद्र में प्रतिनिधित्व भी उनकी तरफ से देने का काम किया जाता है अगर उनको जिताने का काम यहाँ पर होता है। उत्तराखंड की जनता ने 5 सीटों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनको जिताने का काम यहाँ पर किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह सकते हैं कि केंद्र में ऐसे चेहरे को प्रतिनिधित्व तो दिया गया जो जातीय समीकरणों को तो साधने का काम करता है, लेकिन विकास के लिहाज से उनका कोई ऐसा महत्वपूर्ण योगदान उत्तराखंड में नहीं दिखता है जिससे कहा जा सकता हो कि आने वाले दिनों में राज्य में यही वो प्रतिनिधित्व वाले चेहरे हैं जो उत्तराखंड में विकास की जो रफ्तार होगी उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर करेंगे। बल्कि ये कहा जा सकता है कि जो इस तरीके से उनका कामकाज का जो स्वभाव रहा है, सरल व्यक्ति जरूर यहाँ पर कहे जा सकते हैं, लेकिन विकास की परियोजनाओं को लाने में राज्य के भीतर काफी असफल साबित हुए और इसीलिए विपक्ष के जो सदस्य हैं उनको यहाँ पर सवाल उठाने का मौका अवश्य मिल गया, जबकि बीजेपी अपने केंद्रीय नेतृत्व के उस निर्णय का बचाव यहाँ पर कर रही है, कह रही है कि अजय टमटा उत्तराखंड में जिस क्षेत्र से आते हैं वो पहाड़ी मूल का क्षेत्र है, ऐसे में उन्हें पता है कि विकास की रफ्तार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जनता की जो मूलभूत समस्याएं होती है उनको कैसे दूर किया जा सकता है, राज्य में केंद्र की परियोजनाओं को कैसे लाया जा सकता है, उन चीजों से भली भांति परिचित है क्योंकि पूर्व में भी मंत्री यहाँ पर रह चुके हैं। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि जब पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव राज्य में होने हैं तो उससे पहले ही जो सियासत है वो काफी गर्म यहाँ पर हो चुकी है और 5 सांसदों में सिर्फ एक राज्य मंत्री बनाने को लेकर अब ये कह सकते हैं कि जो निराशा है वो राज्यवासियों के मन में देखने को मिल रही है। जी, जहाँ एक तरफ हम देखें तो बीजेपी कह रही है कि अजय टमटा का राजनीतिक करियर जो है काफी अच्छा रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है
कि विकास में जो है उनका कोई भी योगदान नहीं रहा है, तो क्या वाकई में जिस तरीके से उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में चुना गया है तो विकास के लिए वो उपयोगी नहीं है? देखिए, ये तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अजय टमटा को केंद्र में भले ही राज्य मंत्री यहाँ पर बना दिया गया हो, इस बार उनके जो विभाग है उन विभागों में परिवर्तन जरूर यहाँ पर हुआ। उन्हें बेहतर विकास यानी सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री का विभाग उन्हें यहाँ पर मिल पाया, तो ऐसे में उम्मीद उनसे की जा सकती है कि राज्य में जो सड़कों का जाल होगा, जो नेशनल आप हाईवे की जो परियोजना यहाँ पर होंगी वो तेज गति से यहाँ पर होंगी। लेकिन जिस तरीके का उनका अंदाज है और जिस सरल स्वभाव व्यक्ति को कही जा सकते हैं, तो ऐसे में कुछ खामियां उनके अंदर जरूर यहाँ पर कही जा सकते हैं। एक प्रशासनिक तौर पर जो एक नेता को यहाँ पर होना चाहिए कुशल नेतृत्व वाला, वो चीज उनके भीतर यहाँ पर कम दिखती है, जिसके चलते ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में हर आदमी इस समय निराश सा नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें केंद्र के सरकार में जो प्रतिनिधित्व चाहिए था वो ऐसे व्यक्ति के रूप में चाहिए था जो उत्तराखंड की बात को पुरजोर तरीके से उठा सकता हो और उस पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम कर सकता हो। वो चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिली, इसीलिए विपक्ष ज्यादा आरोप लगाने का काम यहाँ पर कर रहा है। लेकिन बीजेपी खुश इस वजह से है कि उनके 5 सीटें यहाँ पर जीती है, यानी जीत की हैट्रिक पूरी करी है, और जीत की हैट्रिक के साथ ही केंद्र में पीएम मोदी की तरफ से जिस सांसद को यहाँ पर मंत्रिपद का देने का काम किया गया वो सरल व्यक्ति है, उनसे मिलना आसान है और आम आदमी तक उनकी पहुंच ज्यादा है। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं बढ़ते आगे, नैनीताल से बड़ी खबर सामने आ रही। 15 जून को कैची धाम में मेले का कार्यक्रम, कैची धाम पर रील बनाने पर लगी रोक, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने पर होगा सख्त एक्शन। तो ये जानकारी कैची धाम को लेकर सामने आ रही है। मंदिर परिसर के आसपास हॉर्न बजाने और रील बनाने पर भी रोक, डीएम वंदना सिंह ने जारी किए आदेश। शिप्रा नदी में नहाने पर भी लगाई गई रोक। तो 15 जून को कैची धाम में मेले का कार्यक्रम होना है और मंदिर परिसर के आसपास हॉर्न बजाने और रील बनाने पर भी रोक लगाई गई है। इसी के साथ बात करें तो शिप्रा नदी में भी नहाने पर रोक लगाई गई है, डीएम वंदना सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो नैनीताल से यह खबर, कैची धाम को लेकर मंदिर परिसर के आसपास हॉर्न बजाने रील्स बनाने को लेकर रोक लगाई गई है। इसी के साथ जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को लेकर भी सख्त एक्शन लिए जाएंगे और इसको लेकर डीएम काफी सख्त नजर आ रही है और आदेश भी उन्होंने जारी कर दिए हैं। पंद्रह जून को कैची धाम में मेले का कार्यक्रम है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हल्द्वानी से अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, 15 जून को कैची धाम में मेले का कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और इसके लिए जो है डीएम काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दूं, 15 जून को कैची धाम में साल मेले का आयोजन किया जाता है, भंडारे का आयोजन किया जाता है और ये देश विदेश के लोग यहाँ पहुंचते हैं और सालों से देखा जा रहा है कि कैची धाम की जो प्रसिद्धि है वो देश और दुनिया में फैलती जा रही है, जिसको लेकर के लाखों की संख्या में यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो 15 जून के दिन पहुंचते हैं और इस बार क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में लोग अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, उसको देखते हुए तमाम मतदान कैसी धाम में आने जाने के श्रद्धालु उनके लिए किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर जो तमाम अधिकारी होंगे यहाँ पर मस्जिद के तौर पर किया जा रहा है श्रद्धा देखने के लिए और यहाँ पर जो सालों से जो श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है कैसी धाम में आदर के भगवान आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद, वो जो यहाँ पर मेले वाले लोगों के लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था करते हुए नजर आते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हुए आते हैं। तो प्रशासन ने इस बार यहाँ पर सभी चीजों के लिए मनाई कर दी है, जिसको लेकर के स्थानीय लोग कहने की नाराजगी देखी जाती है और इसके हिसाब से बात करें तो पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या रहती है। यहाँ से हल्द्वानी से भवाली की बात है, भवाली के बाद कैची धाम से 14 किलोमीटर की है और इस 14 किलोमीटर लंबी लाइन में लगातार लगती तो आप समझ सकते हैं कि 14 किलोमीटर लंबी लाइन अगर लग रही है तो कितनी भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ पर जिला प्रशासन है, नैनीताल जो डीएम है वंदना सिंह, उनके तरफ से तमाम यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, यहाँ पर सतर्क सेवा का आयोजन किया गया है, जो यहाँ से जो श्रद्धालु हल्द्वानी से तो भवाली लाएगी और भवाली से कैची धाम के लिए छोड़ा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर जो भीड़ का जो यहाँ पर जो यहाँ संख्या देखी जाते हैं श्रद्धालु को तो कुछ देखने लगे तमाम यहाँ पर इससे पहले भी कई प्रकार के यहाँ पर कार्य किए गए, लेकिन लोग वहाँ सभी यहाँ पर दिक्कत होती है। अब देखना होगा किस प्रकार से यहाँ पर जो नियम बदले हैं उनके बाद यहाँ श्रद्धालु को
बनाने को लेकर और सिक्योरिटी मैटर को लेकर जो लगातार संख्या लोगों की बढ़ती है, तो उससे भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार के मंदिर परिसर में आने से पहले भी रील बनाने का मंत्री होता है, लेकिन अब मंदिर परिसर के पास जी अमित, अगर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर के आसपास हॉर्न बजाने और रेल बनाने इन सब चीजों को लेकर रोकथाम करने के आदेश जो है डीएम की ओर से दिए गए हैं, लेकिन अगर हॉर्न बजाने के लिए जिस तरीके से बताया गया है कि मंदिर परिसर के आसपास ना बजाए, तो उनको लेकर क्या खास व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ शामिल होंगे, कैंची धाम दर्शन करने बहुत सारे लोग आते हैं, तो मंदिर परिसर से कहीं ना कहीं दूर व्यवस्था करना जरूरी है, तो क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए बात यह है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे गाड़ियों से बाइकों से और अपने जो साधनों से, तो भवाली पर रोका जाएगा, भवाली से सटा सुबह का यहाँ पर व्यवस्था की गई है सरकार प्रशासन के द्वारा। कैंची धाम से 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है भवाली से कैंची धाम का, तो वहां से सटा सेवा के माध्यम से श्रद्धालु वहां ले जाएगा। गाड़ी ले जाने की अनुमति कैंची धाम परिसर के आसपास बिल्कुल भी नहीं है, और ना वहाँ पर हॉर्न बजाने की भी अनुमति है। इस प्रकार से बात की है तो वहाँ पर अगल बगल यहाँ पर लोग भंडारा लगाते आते थे, उसको भी मनाई की गई है और वीडियो रिकॉर्डिंग जिले में मनाई की गई है। भवाली के आसपास जरूर यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जा सकती है, रील बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जब भवाली से आगे जब आप कैसे धाम मंदिर जाते हैं बाबा दीपपुरी महाराज के दर्शन में, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग करके नहीं रील बनाएंगे, इसलिए सख्त निर्देश और कार्रवाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम तय कर दिया है। बता दें कि बद्रीनाथ और मंगलौर में 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 14 जून से नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 21 जून नामांकन की अंतिम तारीख रखी गई है। साथ ही 24 जून को नामांकन पत्रों की जांच और 26 जून तक नामांकन वापसी की तारीख भी तय की गई है। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा में 210 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। बद्रीनाथ में 10,145 मतदाता हैं। बद्रीनाथ विधानसभा में 2,566 सर्विस मतदाता भी है। और मंगलौर विधानसभा की बात करें तो 32 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। मंगलौर विधानसभा में 11,930 मतदाता है, जिसमें 255 सर्विस मतदाता है। हालांकि हरिद्वार और चमोली जनपद में उपचुनाव के चलते आचार संहिता लागू हो गई है। साथ ही बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में 3 साल से जमे हुए अधिकारियों के तबादले भी किए जाएंगे। अभी माननीय चुनाव आयोग ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया था, वो है इलेक्शंस का, बाय इलेक्शंस के बारे में। उसमें उत्तराखंड का भी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ रहे हैं, वो है नंबर 4 बद्रीनाथ, ये 4 है उसका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर है, ये है माननीय श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी का रेजिग्नेशन की वजह से खाली हुआ है, और दूसरा है 33 मंगलौर, ये है माननीय श्री सरवत करीम अंसारी जी का मृत्यु होने के पश्चात ये खाली हुआ है। इन दोनों के लिए बाय इलेक्शन माननीय निर्वाचन आयोग ने आज कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में 4 दिन के बाद गेजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। और बढ़ते आगे खबर देहरादून से, जहां प्रदेश की 2 विधानसभाओं के उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 10 जुलाई को प्रदेश की 2 विधानसभाओं मंगलौर और बद्रीनाथ के लिए मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना होगी। आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा के बीएसपी विधायक शरबत कलीम अंसारी के निधन के बाद सीट खाली हो गई थी और बद्रीनाथ विधानसभा की कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र भंडारी ने अपने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। ऐसे में दोनों विधानसभाओं के लिए उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके चलते पार्टियों में उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। अच्छी बात है, उपचुनाव की घोषणा हो गई है तो इसका हम स्वागत करेंगे। वैसे भी जो है हम पहले से ही बद्रीनाथ जी और उनके ये मंगलौर में उपचुनाव की मांग कर रहे थे। जैसे ही देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला था और हमने कहा था कि तत्काल यहाँ भी जो है लोकसभा के साथ जो है चुनाव कराए जाए, लेकिन देरी से चुनाव की घोषणा हो गई। हमारी पहले से ही वहाँ पर तैयारियाँ हैं और बद्रीनाथ में जिस तरीके से जो है
पूर्व विधायक ने जो है पार्टी की पीठ में छुरा घोपने का काम किया, बद्रीनाथ की जनता का विश्वास तोड़ने का काम किया, तो बद्रीनाथ की जनता उनसे बदला लेने के जो मूड में है। और मंगलोर में भी आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी बढ़त है, तो निश्चित तौर पर दोनों विधानसभा उपचुनाव में हम प्रचंड जीत दर्ज कराने में कामयाब रहेंगे। पार्टी हमेशा हर चुनौती को पार करने के लिए तत्पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहता है। भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और कर्मठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टी के नेतृत्व में हम इन दोनों चुनौतियों को पार करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। और वही खबर कोटद्वार से, जहां पूर्व सैनिकों ने केंद्रीय विद्यालय के मुद्दे को लेकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि पूर्व सैनिक लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय की मांग कर रहे थे, लेकिन स्थानीय विधायक अपनी मनमानी कर रही है और केंद्रीय विद्यालय नहीं बनने दे रही है, जिसके चलते पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री और नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी को उप जिलाधिकारी के जरिए ज्ञापन सौंपा और केंद्रीय विद्यालय की मांग को पूरा करने की अपील की। साथ ही कहा कि विवादित जमीन पर बीजेपी अपना कार्यालय बनाने के लिए हर हथकंडे अपना रही है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय नहीं बनाना चाहती है। वहीं विधायक रितु खंडूरी का कहना है कि राज्य सरकार फ्री में जमीन नहीं देगी, आप एक रुपए में खरीद ले। केंद्र का कहना है हम फ्री में लेंगे। रूप दिया है कि भाई जैसे अयोध्या में मंत्रालय ने अयोध्या को प्रवाह किया है, ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। आज बीजेपी अपना कार्य लेके 80 लाख रुपए खर्च कर सकती है और यहाँ जो डीएम ऑफिस कैंप कार्य लेके ले करोड़ रुपए खर्च हो सकता है, तो ये तो सेंट्रल का सेंट्रल स्कूल जो है केंद्रीय है, सभी लोगों के लिए है, चाहे वो केंद्र कर्मचारी है, चाहे यहाँ पर हमारा बीएल के कर्मचारी है, चाहे और भी जो है कहीं बनिया कहीं जो भी व्यापार मंडल है, पूर्व सैनिक सबके लिए है, तो इसके लिए क्यों नहीं दे सकते, ये सब हो सकता है। और ऋषिकेश के श्यामपुर से एक मामला सामने आया, जहां अतिक्रमण को लेकर एक 75 साल का बुजुर्ग 4 साल से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बुजुर्ग की शिकायत पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते तहसील पहुंचे शिकायतकर्ता ने प्रशासन को कार्रवाई न होने पर आमरण अनशन की जो है वो चेतावनी दी है। बता दें कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम प्रधान के श्रेय में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन और नदी नालों पर अतिक्रमण करवा रखा है। देखिए, आज मेरे पास जो जन सुनवाई में एक मामला आया है, जिसमें नंबरदार फार्म में एक बुजुर्ग ने शिकायत की है कि कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, तो मैंने तत्काल अपनी टीम को निर्देशित किया है कि मौके पर जाएंगे और अवैध अतिक्रमण पाए जाने की दशा में हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। और वहीं त्रिवेणी घाट पर डॉक्टर कुमार विश्वास का 3 दिवसीय श्रीराम कथा का अपने राम सत्र का आयोजन किया गया। श्री गंगा सभा की ओर से कराए जा रहे इस आयोजन में 4,000 से 5,000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई। श्री गंगा सभा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया गया कि त्रिवेणी घाट पर 11, 12 और 13 जून को प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास श्री राम कथा गाएंगे। वही जानकारी के अनुसार कथा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने की संभावना है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसमें डॉक्टर कुमार विश्वास राम कथा करेंगे, अपने अपने राम उनका टाइटल है जिसके नाम से वो कथा करते हैं, और ये 11, 12, 13 जून को मंगल बुध और बृहस्पतिवार को त्रिवेणी घाट के मुख्य आरती स्थल के पास में ही ये प्रोग्राम होगा और गंगा सभा इसको आयोजन कर रही है। क्या विशेष है वाला? विशेष उनकी डॉक्टर कुमारी शाह की अपनी अनूठी शैली है राम कथा को कहने की। उन्होंने अभी पीछे एक महीना पहले अर्घी पौड़ी पे भी कथा की है, तो उन्हें काफी आजकल लोगों में बड़े पॉपुलैरिटी है, तो हमें भी मौका मिला यहाँ उनकी कथा का आयोजन करवाने का, तो इसलिए लोगों के शहर के लिए एक अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। श्री गंगा सभा इसका आयोजन कर रही है ऋषिकेश, और करीब 4,000 से 5,000 लोग हम मानते हैं कि इसमें उपस्थित होंगे। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।